गुरुवारी रात्री साळ्याच्या दरम्यान इंदिरामाता नगर येथे शांती हीर बुद्धविहार येथे दोन भावात आपसात भांडण झाले. रेकॉर्डेड आरोपी शाबीर रज्जाक शेख आणि जाबीर शेख यांच्यात भांडण सुरू होते. भांडू नका म्हणून समजवण्याकरिता दोघे भाऊ आले. त्यांच्या सोबत सुद्धा शाबीर रज्जाक शेख याचा आपसात भांडण सुरू होते. त्या भांडणाच्या कारणावरून तिथे उभे असलेल्या ऑटोला फोडला. तो आरोपी रियासत अली याच्या भावाचा होता म्हणून रागात त्याने लाकडी दांड्याने शाबीरच्या डोक्यावर मारलं. त्याच्या उपचारादरम्यान मृत्यू झाली आणि शाबीर हा मधात गेल्याने त्याला सुद्धा मार लागला. तो किरकोळ जखमी झाला असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहे. पोलीस या गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत. शांति बौद्ध विहार के पास में एक रिकॉर्डेड आरोपी है शाबीर रज्जाक शेख नाम का. वो और उसका भाई जाबीर शेख ये आपस में हाथापाई कर रहे थे. वहाँ पे उसके दोनों भाई दूसरे भी दोनों भाई आए थे और उन्होंने उसको समझाया था. उसमें आपस में झगड़ा चल रहा था. उस झगड़े के कारण में उन्होंने वहाँ पर जो खड़ा हुआ ऑटो था वो एक ऑटो को फोड़ डाला था. जो ऑटो को फोड़ डाला था वो आरोपी जो रियासत अली है उसके भाई का था. इसलिए उसके मन में गुस्सा आ गया हमारे भाई का ऑटो फोड़ा है करके और उसने लाकड़ी डंडा लेके उसके साबिर के सर पे मार दिया. और बीच में जाबिर भी आया था. जाबिर को भी थोड़ा सा मार लगा है. इसमें साबिर की उपचार के दरमियान में मेडिकल हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है और जाबिर किरको जख्मी है. उसका इलाज करके उसको घर पर छोड़ा गया है. आरोपी एक ही है, रियासत अली एक ही है फिलहाल में. अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ है, एक्चुअल क्या होगा. आरोपी का पिसा लिया जाएगा और आरोपी को उसके बाद में पता चल जाएगा कि क्या वजह थी और कैसा वारदात हो गई.